तो गाइस हमारी टिक्का ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त सी, मज़ेदार सी। आप देखिए इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है, तो आपने ये ट्राई करना है, फीडबैक देनी है। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारी ज़बरदस्ती, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। चलें जी अब चलते हैं किचन में। गाइस हम बहुत ही मज़ेदार आज मैं रेसिपी बना रही हूँ अपने घर में, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ भी शेयर कर लेते हैं। और आप सब लोग कैसे हैं? अगर आप ये मिस करेंगे ना तो कसम से बहुत अच्छी रेसिपी आप मिस कर देंगे। ये 1 kg होल चिकन है, मैंने बड़े साइज़ रखवाए हैं। मैं इसमें डालूंगी सबसे पहले 1.5 teaspoon कूटी हुई लाल मिर्चें डालेंगे हम इसमें गाइस। फिर हम इसमें डालने वाले हैं 1 teaspoon भर के हम इसमें डालेंगे गरम मसाला, 1 teaspoon एंड हाफ सॉल्ट डालेंगे, हसब ज़रूरत हम सॉल्ट ऐड करेंगे, इसमें हल्दी नहीं जाएगी। अब हम डालेंगे 1 teaspoon पिसी हुई रेड चिली, ठीक है, रेड चिली पाउडर ऐड कर रहे हैं। तो तकरीबन मैंने 3 teaspoon रेड चिली पाउडर ऐड किया है, 1.5 teaspoon हमने कुटी हुई लाल मिर्चें डाली हैं और 1.5 teaspoon मैंने रेड चिली पाउडर ऐड किया है इसमें। और ये जाएगा इसमें कूटा हुआ हमारा पिसा हुआ कूटा हुआ धनिया, तकरीबन मैं इसमें 2 tablespoon ऐड कर रही हूँ, ठीक है, क्योंकि 1 kg हमारी चिकन है। 1 teaspoon सफ़ेद मिर्च जाएगी इसके अंदर। इसमें हम डालेंगे गार्लिक 1 tablespoon, इसमें हम डालेंगे गार्लिक पेस्ट और 1 tablespoon डालेंगे हम इसमें जिंजर पेस्ट, ठीक है। तो 1 table आप मिक्स, अगर आपके पास अदरक लहसुन का पेस्ट है तो 2 tablespoon, अगर आपके पास अलग अलग है तो 1 tablespoon गार्लिक और 1 tablespoon जिंजर का पेस्ट हमने इसमें ऐड कर दिया है। अब हम इसमें डाल देंगे तकरीबन 1 pound दही। तो गाइस 1 pound डाल दी है हमने इसमें, हमारा चला गया है दही भी। तो अब मैं इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर आपको दिखाती हूँ, लेकिन हम इसमें डालेंगे लेमन जूस, तो मैं इसमें ऐड करके आपके सामने ही दिखाती हूँ। तो गाइस मेरे पास जो लेमन है ना उनके साइज़ बहुत छोटा है, तो मैं ये बीज ऐसे मैंने निकाल लिए, 1-2 गिर गए मैं निकाल लूँगी। तो गाइस मैं मेरे पास छोटे हैं तो मैं 2 अदर डाल रही हूँ, आपके पास 1 बड़ा है तो आप 1 पूरा डाल दीजिएगा, वरना आप 2 lemon डालेंगे क्योंकि चिकन हमारे पास 1 kilo है, ये याद रखना है आपने। गाइस लेमन भी चला गया, अब मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। गाइस मसाला ज़बरदस्त सा लग चुका है इसमें, अब मैं इसको क्या करूँगी, 2 घंटे के लिए इसको ऐसे ही मेरीनेट होने दूँगी, उसके बाद फिर हम इसको बनाएंगे, तो 2 घंटे बाद मिलते हैं। तो गाइस मैंने पतीली रख ली है अपनी और मैं इसमें डालने लगी हूँ, हम इसमें डालेंगे ऑयल, हमारी चिकन है, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। हम करते हैं इनमें, हमें इसमें और कुछ भी ऐड नहीं होगा, इसमें कुछ भी नहीं, एज इट इज़ बनेगा बस। बहुत ही मज़े की झटपट बन जाने वाली रेसिपी है गाइस, बहुत मज़े की, ट्राई करिएगा। मैं लंच में बना रही हूँ, लंच और डिनर में हो जाएगा हमारी ये। तो गाइस मैं इसको क्या करूँगी कि 2 से 3 मिनट भूनने के बाद मैं इसमें जो है तकरीबन 1/2 cup पानी ऐड कर दूंगी ताकि मेरे जो चिकन है वो गल जाए। तो अभी हम इसको 2 से 4 मिनट से ही पकने देते हैं। तो गाइस टिक्का ग्रेवी, अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ और बस हल्की आंच पे मैं इसको गलने के लिए छोड़ दूंगी। तो जी गाइस हमारी मज़ेदार सी चिकन टिक्का ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, बहुत ज़्यादा शानदार खुशबू आ रही है। तो गाइस आप चाहे तो इस वक्त आप जो है कोयले का धुनी भी दे सकते हैं, मैं इसलिए नहीं दे रही कि मेरे बेटे को पसंद नहीं है। तो जी ये देखिए मज़ेदार सी ज़बरदस्ती हमारी चिकन टिक्का ग्रेवी बिल्कुल तैयार है, मैं आपके सामने निकाल रही हूँ, इसकी ग्रेवी भी मैं आपको दिखाऊंगी, बहुत ही मज़ेदार टेस्टी। आप नान के साथ, पराठों के साथ, पूरी के साथ खाएं, बहुत मज़ा आएगा। मैंने तो इसके साथ बनाए थे जी गार्लिक राइस बनाए थे, क्योंकि हमें बहुत दिल जा रहा था कि गार्लिक राइस के साथ जो है हम इस तरह की कोई चीज़ खाएं ना, तो मैं वो भी दिखाऊंगी आपको। तो जी मैं आपको असल चीज़ जो थी इसकी ग्रेवी आपके सामने है, बहुत मज़ेदार ये रेसिपी आपने ट्राई करनी है। ये आप दावतों में, किसी भी अच्छे ओकेशन में इस रेसिपी को ज़रूर बना सकते हैं, घर में बना सकते हैं। तो जी मेरे गार्लिक राइस भी बिल्कुल तैयार हैं, तो अब हम इसको सर्व करेंगे, एक सर्विंग प्लेट बनाऊंगी मैं और आपको दिखाऊंगी कि कितनी ही जो है ना ये मज़ेदार रेसिपी थी, चटपट बन गई है। और आई होप यू लाइक दिस रेसिपी, इफ़ यू लाइक करनी लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा,
दुआओं में याद रखिएगा और अच्छे से मज़ेदार सी मैं रेसिपीज़ आपको देती रहूँगी, आपने ट्राई करनी है और फीडबैक ज़रूर देना है। काइंडली प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर किया, अगर लाइक आप करते हैं तो ये फिर वीडियोज़ यूट्यूब आगे भी भेजता है। तो चलेंगे चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी और अच्छी सी रेसिपी गाइज। टिल देन अल्लाह हाफिज़। तो गाइस हमारी टिक्का ग्रेवी बिल्कुल रेडी है, ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी। आप देखिए इतनी लाजवाब खुशबू आ रही है। तो आपने ये ट्राई करना है, फीडबैक देनी है, अपना ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़। हेलो गाइस, हमारी आज रेसिपी ख़त्म हो चुकी है। ये हो चुकी है तैयार मज़ेदार रेसिपी, इसको आप देख सकते हैं। और बस अब ये जाएगी, रेडी है जी। मम्मा मेरे मुझे जाते मत करेगा। हाँ जी, जाते मत। चलो उठाओ हमें।